आगे या पीछे या आपके साथ वाले को आप कुछ भी बता पा रहे हैं, तो दैट्स व्हाट इज नोन एज एजुकेशन। एजुकेट द नेशन एजुकेशन है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था कि इफ यू हैव द अबिलिटी टू लिसन टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग विदाउट लूजिंग योर कॉन्फिडेंस एंड पेशेंस, देन दैट्स एजुकेशन। तो एजुकेशन क्या है? जब आप किसी भी चीज को सुनने के लिए तैयार हो और उस सुनने में आपका पेशेंस और आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल न डगमगाए, तो वो शिक्षा है, वो एजुकेशन है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी खुद की बुराई बहुत आसानी से हंसते हुए सुन सकते हैं? यदि हम सुन सकते हैं तो हम एजुकेटेड हैं, और यदि हम व्यग्र होते हैं तो हम केवल लिटरेट हैं, एजुकेटेड नहीं। अभी तक की सारी शिक्षा पद्धति केवल ग्रेजुएशन तक सीमित थी, लेकिन एजुकेशन नहीं हो पाई। यदि मैं एनपीई की बात करता हूं, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जिसमें लगातार परिवर्तन होते गए और उसके बाद उस एनपीई में से केवल बी को उठा के इधर कर दिया गया और ई को उठा के इधर ला दिया गया और वो बन गया एनईपी। अब एनईपी का उल्टा पढ़िएगा, क्या होता है? पेन होता है, वही कलम है। इसलिए कहते हैं कलम में वो ताकत है जो तलवार में भी नहीं होती, और कलम किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी ले जाके आघात उस पर कर सकता है बगैर एक बूंद खून बहाए हुए। वो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आजादी के बाद पहली ऐसी नीति है जिसको हम राष्ट्रीय भी ना कहें लेकिन भारतीय शिक्षा नीति कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये पहली ऐसी नीति है जो भारतीयों के लिए, भारतीयों के द्वारा, भारतीयता से ओतप्रोत और भारत के समग्र और प्रमुख विकास के लिए बनाई गई नीति। तो हम भारतीय शिक्षा पद्धति, यहां पर ज्ञान लिखा हुआ है, ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान है। ये जीवाईएन नहीं है, ये जीएनएएनए, जिसमें नेशनल साउंड आता है, ज्ञान, ज्ञान नहीं, ज्ञान। संस्कृत में यदि जाए तो वो जेएनएएनए होना चाहिए था, जीवाईएन नहीं है। वो ज्ञान जो है वो है जो आपको आप होने का भाव देता है। इसलिए ये सारी की सारी चीजें गुरुकुलम में होती थी, लेकिन हमारे करिकुलम में ज्ञान जो है वो हट गया और ज्ञान के बदले हम नॉलेज कह दिए, और हमारे द्वारा दिया जाने वाला नॉलेज केवल केवल इंफॉर्मेशन है, उसके अलावा कुछ नहीं। मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली चीज यदि गलत है तो सामने बैठे हुए व्यक्ति के पास यदि एक स्मार्टफोन है वो गूगल करके बता सकता है कि सर आप यहां पर गलत हैं, गूगल यहां पर सही बोल रहा है, तो आप में और गूगल में अंतर क्या है। तो आज का बच्चे में, क्योंकि हमारे यहाँ की सभ्यता और संस्कार इस तरीके से हैं कि बच्चा खड़े होकर हमारे अगेंस्ट बोल नहीं सकता, और यदि बोलता है तो हम वो टीचर हैं जो कहीं ना कहीं उसको दंडित कर देते हैं। हम वो टीचर हैं जो मुस्सोलिनी और हिटलर के जैसे हैं कि मेरे क्लास में तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। पिन ड्रॉप साइलेंस होता है केवल शमशान में, जहां एजुकेशन होता है वहां पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं होता, वहां टू वे कम्युनिकेशन होता है। और एक स्टूडेंट को वो होना चाहिए, एक स्पॉन्ज के जैसा होना चाहिए कि टीचर जो कह रहा है उसको वो स्पॉन्ज के रूप में पूरा अवशोषित कर ले, और टीचर उस स्पॉन्ज को लेके जैसे स्क्वीज करे या निचोड़े तो टीचर ने जो कुछ कहा है वो सब निकल जाना चाहिए। वो टू वे एजुकेशन सिस्टम है। तो क्या हम उस एजुकेशन सिस्टम जो गुरुकुल में था उसको हम अपने करिकुलम में ला पाएंगे? और करिकुलम में क्यों लाना है? करिकुलम में इसलिए लाना है कि हम जब तक उसको करिकुलम में लाके उसको एनरिच नहीं करेंगे तब तक हमारा करिकुलम रिच नहीं हो पाएगा। आप कहते हैं आपका भोजन बड़ा रिच है, आपकी साड़ी बड़ी रिच लग रही है। वो रिच जो है, यदि साड़ी हो गया, खाना हो गया, तो बुद्धि को रिच करने के हमारा करिकुलम को भी रिच होने की जरूरत है, तो उसको एनरिच करना जरूरी है। और जब तक आप एनरिच करके करिकुलम को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप उस सोसाइटी तक रिच नहीं कर पाएंगे। हम केवल टीच करते हैं लेकिन हम रीच नहीं करते। द मोमेंट वी रीच, टीचिंग इज ऑलवेज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। यदि गुरु शिष्य तक पहुंच जाता है तो शिक्षा उस तक पहुंच जाती है। गुरु जिसके पास है उसको शिक्षा ग्रहण करना ऑटोमेटिक प्रोसेस है, वो अपने आप होने लगता है। तो टीचर को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके हाव भाव भाव भंगिमा और पूरी तरीके से वो जो ऑब्जर्व करता है उस ऑब्जर्वेशन में वो पूरे तरीके से सोसाइटी को सर्व करने के लिए तैयार हो जाता है। किसी एक इंस्टीट्यूशन में लिखा था, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए।
तो कितने लोग हम लोग सेवा से जा पाते हैं, कितने लोग हम लोग सोसाइटी को एनरिच करते हैं। एनएसएस में कहता है गोल काम देने की जरूरत है। हम में से कितने ऐसे हैं या कितने ऐसे महाविद्यालय हैं जो किसी इंस्टीट्यूशन को गोद दिया हो, किसी गांव को गोद दिया हो कि उसका प्रचार प्रसार, उसकी उन्नति और समृद्ध सशक्त और सुदृढ़ भारत की परिकल्पना की बात जब हम करते हैं तो वो विद्यालय से क्यों नहीं हो सकता। तो वो भाव हमको लाने की जरूरत है। प्लीज नेक्स्ट। ये अखंड भारत की परिकल्पना, जहां बर्मा से लेके अफगानिस्तान तक पूरा भारत अखंड भारत है, और उस भारत के अंदर में हम बहुत सारे खंड में प्रांतों में बटे हुए हैं, और हर प्रांत जो है वो कहीं ना कहीं भाषाई आयाम को लेकर बना है। यदि तेलुगु बोलते हैं तो तेलंगाना हो गया, कन्नड़ बोलते हैं तो कर्नाटक हो गया, कश्मीरी बोलते हैं तो कश्मीर हो गया, बंगाली बोलते हैं तो बंगाल हो गया, राजस्थानी बोलते हैं तो राजस्थानी हो गया, पंजाबी बोलते हैं तो पंजाब हो गया। हर एक स्टेट जो है वो हमारा भाषा के रूप में है। मतलब भाषाएं कितनी प्रचुर मात्रा में हम लोगों को एक दूसरे की ओर आकर्षित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भाषाओं के आयाम को, भाषाओं के प्रति प्रतिबद्धता को और भाषाओं के प्रति प्रेम को भी एक नया आयाम देता है। मेरे जीविकोपार्जन की भाषा अंग्रेजी है, इसलिए मैं वहां खड़े होकर अंग्रेजी में बोला, लेकिन मेरे अंदर में दौड़ने वाला जो खून है उसकी भाषा जो है हिंदी है, इसलिए मैं आपसे हिंदी में वार्तालाप कर रहा हूं। लेकिन मेरे अंदर जो दिल है वो धड़कता है कन्नड़ के लिए, जो मेरी मातृभाषा है। तो जब मैं ये कहता हूं कि मैं त्रिवेणी का संगम हूं, तो ये मुझे अपने अभिनीति पर या मुझे अपनी काबिलियत पर विश्वास है।